न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में ये गुण अधिक समय हमें नजर आएंगे तो उन्हें तामसिक बोलना है, जिसमें रजोगुण अधिक नजर आएंगे उसे राजसी बोलना है, और जिसे सत्व गुण जिसमें सत्व गुण अधिक अधिक समय तक हमें नजर आएंगे उसे सात्विक बोलना है। यानी पूरा सात्विक, पूरा राजसी और पूरा तामसी व्यक्ति हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैसे कि मात्र उसमें तमोगुण ही है, रजोगुण है ही नहीं और सत्वगुण है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है कि एक गुण दूसरे गुण के लिए पूरक होता है। एक गुण जैसे रजोगुण तमोगुण के लिए पूरक है, तमोगुण सत्वगुण के लिए पूरक है। जैसे दिन और रात, रात है इसलिए दिन है और दिन है इसलिए रात है, रात के कारण दिन है और दिन के कारण रात है। तो वैसे ही तमोगुण के कारण सत्वगुण है और सत्वगुण के कारण तमोगुण है। जैसे कोई हम बहुत सारी फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्वगुण से युक्त होते हैं, वो हीरो का काम करते हैं, फिर जो तमोगुण से युक्त होते हैं विलन का काम करते हैं, और बीच में के रजोगुण युक्त होते हैं वो दोनों तरफ जैसे हमें लगते हैं, लेकिन विलन में भी हमें रजोगुण वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो पूरी फिल्म तब बनती है जब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति एक ही जगह पर हम देखेंगे, तो उस वक्त की पूरी फिल्म बनती है। नहीं तो आप कोई एक फिल्म देखेंगे जिसमें कोई विलन है ही नहीं, कोई एक फिल्म देखेंगे जिसमें हीरो कोई है ही नहीं, उसमें एक जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। वैसे बहुत कम ऐसी फिल्म शायद बनी होगी, और ये तो भौतिकता है इसलिए फिल्म कोई ऐसे बना भी सकता है, लेकिन वो चलनी भी चाहिए। तो कौन चलेगा? जैसे जिसके प्रकृति में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सत्वगुण, लेकिन जिसमें सत्व उनके जो सात्विकता के जो गुण है वो अधिक है वो सात्विक कहलाएगा, जिसमें रजोगुण अधिक है वो राजसी कहलाएगा, जिसमें तमोगुण अधिक है तामसी कहलाएगा। ठीक है, तो तमोगुण वाला व्यक्ति जो है उसमें कौन से गुण रहेंगे? तो पहले तो उसमें मिथ्या ज्ञान रहेगा। मिथ्या ज्ञान यानी उसको हम अविद्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जैसे योग शास्त्र में हम बोलते हैं कि अविद्या ही सभी दुख का कारण है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ये जो पांच क्लेश है उसका जो मूल है वो अविद्या है। तो तमोगुणी व्यक्ति में अविद्या भरी रहती है। अब मिथ्या ज्ञान यानी जैसे जो ज्ञान है उस ज्ञान को वैसे ना समझना और अपने तरीके से उसे समझना, है ना, अपने तरीके से। जैसे अभी करंट में एक सब्जेक्ट चल रहा है, अभी किराना दुकान के ऊपर वाइन आ गई। कल ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं करता हूँ, क्लेम भी नहीं करता, लेकिन जो सत्ता में है तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये ऐसे हमने क्यों किया है, तो उसको उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रमोशन कर देंगे उस बात का, है ना। जैसे एक पेपर लोकमत पेपर वाले ने राष्ट्रवादी की एक महिला को भी पूछा, उसने उसका समर्थन कर दिया कि देखो किराना दुकान में वाइन रखने से ये फायदे होंगे, वो फायदे होंगे, ये होंगे। लेकिन अभी जो संत लोग हैं उन्होंने उसको क्या बोला कि नहीं, हम कहीं इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है ना, तो अभी जो सत्ता में है वो अपने लाभ के लिए क्या करेंगे कि जो भी विषय सामने आ रहा है उसका अपनी तरीके से अर्थ निकालेंगे, है ना, अपने तरीके से अर्थ निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, यानी जैसा बताया जा रहा है उसको वैसे न समझना, उसके विरुद्ध समझना, समझ लेना, उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, है ना, जो सामने वाला बोल रहा है उससे विरुद्ध ज्ञान। तो ये देखा जाता है तामसी प्रकृति वाले में अज्ञान रहता है, तंत्रा रहती है। तंत्रा का अर्थ क्या होता है, जैसे उसमें कुछ काम को करने के लिए एक्टिवनेस नहीं रहता है, डलनेस रहता है उसमें, है ना। अगर मान लो उसको बोल दिया, कोई बच्चा है और तामसी प्रकृति वाला है, उसको बोल दिया आपने
कि जा मुझे पानी ले गया, तो एक बार सुनेगा और अनसुना कर देगा। फिर हम बोलेंगे देखो बेटा मेरे लिए पानी ले गया, फिर वो अनसुना कर देगा। फिर चार पांच बार बोलने के बाद में फिर बोलेगा हाँ ठीक है लाता हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट के बाद में लाता हूँ। जब फिर हम डांटेंगे गुस्सा करेंगे तब जाके वो उठेगा और फिर आराम आराम से जाएगा, फिर लाए, है ना। इसको बोलते हैं तंत्रा, जो कि तमोगुण का, तमोतांसिक प्रकृति के मनुष्य का एक लक्षण है। फिर है आलस्य, ठीक है, ये भी ऐसे ही होता है। आलस्य यानी जानबूझकर करना, जैसे किसी तंत्रा है ना, जैसे वो जानबूझकर नहीं करता है ना, लेकिन आलसी व्यक्ति जो है वो जानबूझकर करता है। वो समझ पाता है कि मैं ला सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, किसी द्वेष के कारण, किसी मत्सर के कारण, फिर ये आलस्य जागृत हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर। फिर है प्रमाद, ठीक है, कुछ विषयों को समझने के लिए एक जड़ता प्रकट करना, उसको बोलते हैं प्रमाद, है ना। विषय बहुत साधारण होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, तो तामसी तमोगुण व्यक्ति वाले जो वो होते हैं उन्हें अगर कुछ समझाने के लिए जाओ तो उन्हें जल्दी समझता नहीं, ठीक है, प्रमाद। और उसको एक उन्माद भी बोलते हैं, यानी पागलपन भी बोलते हैं, ठीक है। निष्क्रियता, निष्क्रियता यानी अपने से कुछ नहीं करेंगे। जैसे रजोगुण वाला व्यक्ति मालूम है क्या, हमेशा एक्टिविटी में रहता है, वो खुद से करता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो सक्रियता यानी क्या होता है, जो रजोगुण वाले व्यक्ति में देखा जाता है कि वो, उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको करना है, लेकिन वो कर ले। लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति निष्क्रिय, मूलता ही निष्क्रिय रहता है, बताने के बाद में तो करेगा नहीं, लेकिन उसके मन में भी नहीं आएगा कि मुझे अभी जैसे कि लोगों की सेवा करनी है ना, वो अपना निहित कार्य तो नहीं करता, फिर एक्स्ट्रा काम क्या करेगा। तो ऐसा एक निष्क्रियता उसमें होती है। दीनता होती है, मोह होता है, मोह यानी सम्मोह होता है। तो थोड़ा भी उसको अगर हम प्रलोभन दे तो वो जल्दी मोहित हो जाता है और हमारे जाल में फंस जाता है। तो ये जितने भी लोग जाल में फंसते हैं ना, कंपनियों का कुछ ऑफर आ जाता है या बहुत कुछ ऐसे पेपर में भी हम सुनते हैं, टीवी के ऊपर हम सुनते हैं, आज तो मोबाइल में ऐसा आ जाता। देखो आप, अगर हम जो लिंक भेज रहे हैं उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप 1,00,000 रुपए जीत जाओगे, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, फिर जाल में फंस जाएंगे, फिर है ना, जाल में फंसने के बाद में उनको फिर बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। यानी खुद को ही समस्या में डालना, ऐसी इनकी प्रकृति रहती है। और अपने साथ साथ दूसरों को भी समस्या में ओढ़ लेना, उनको खींच लेना, ऐसी भी इनकी प्रकृति रहती है, है ना। तो तमोगुण वाले व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या कर लेते हैं, अपना तो नाश कर लेते हैं लेकिन उनके साथ हमारा भी नाश कर देते हैं। तो मोह, उसको ही बोलते हैं मोह होना चाहिए। देखो मुझमें भी मोह है, हो गया है 3:30-4:30 बजे लेक्चर शुरू होगा मेरा, मुझे क्लिनिक में पहुंचना पड़ेगा, इसका मुझे मोह था, इसलिए अभी मैं बाजार में था, 15 मिनट पहले मैं बाजार में था, अभी तुरंत मैं यहाँ पहुंचा हूँ, फिर मैडम का फोन आया, लेक्चर है, मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुरंत मैंने एक थोड़ा सा 3-4 मिनट मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे मोह था कि 4:30 बजे जो लेक्चर है वो मुझे ज्वाइन करना। इस बात का मोह होना चाहिए, सेवा का मोह होना चाहिए। तो ये सत्व और रजोगुण व्यक्ति में भी वो मोह रहता है ना, लेकिन तमोगुण व्यक्ति में कुछ अलग ही रहता है। अच्छी चीजों के लिए उनमें मोह नहीं रहता, सेवा के लिए कोई मोह नहीं रहता है, ठीक है। दूसरे को हेल्प करना है तो उसके लिए उनके पास कोई मोह नहीं रहता है, लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति दूसरे को हेल्प करना है तो उसका वो मोह करेगा। कैसे करेगा, आज मैं इसको मदद कर दूं तो कल ये मुझे मदद कर देगा। लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं सोचेगा, बोलेगा मैं इसको मदद ही नहीं करना चाहता, उल्टा वो ये मोह करेगा कि तमो उसको हो जाएगा कि इस सामने वाले व्यक्ति ने मुझे हेल्प करनी चाहिए, मैं भले ही करूं या न करूं, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी प्रकृति होती है, तो ये प्रवृत्तियां होती है तमोगुण वाले व्यक्ति में। इस प्रकृति का मनुष्य कार्य करने से कतराता है और लाभ करवा भी
रहता है। ठीक है, इन तीनों गुणों की मात्रा में न्यूनता और अधिकता होने तथा अलग अलग अनुपात में इनका संयोग होने से मन की दशा दिशा या स्थिति असंख्य प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि मात्र सात्विक प्रवृत्ति, मात्र राजसी प्रवृत्ति, मात्र तामसी प्रवृत्ति, ऐसे ऐसे भी देखी जाती है प्रवृत्ति, लेकिन बहुत कम देखी जाती है। अधिकतम हम की गुणों की प्रवृत्ति अधिक देखते हैं, जैसे सत्व और रज उसमें अधिक है लेकिन तमगुण कम है, तो उसे बोलेंगे हम सत्व रज प्रवृत्ति। किसी एक में रज तमगुण प्रवृत्ति अधिक रहेंगी, उसमें सत्व गुण कम रहेगा, या किसी में जैसे तम और सत्व ऐसे रहेगा लेकिन रज कम रहेगा। ठीक है, तो बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जिसमें रजोगुण के भी गुण है, सत्वगुण के भी गुण है, और कभी कभी तो हम खुद को ही देख लेते थे कि सर ये आपने जो अभी बताया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझमें सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझमें सत्व भी है और रज भी है। किसी को लगेगा कि सर मुझे मुझमें तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि मैं सात्विकता बहुत प्रदर्शित करता हूँ, और कभी कभी ऐसा देख लेता हूँ कि मेरे भीतर तामसिकता आ गई तो मैं तामसिकता का प्रदर्शन करता हूँ। ठीक है, तो द्विदोष गुणों से युक्त प्रकृति अधिक लोगों की आपको मिलेगी, और उससे भी अधिक मिलेंगे, कभी कभार वो सात्विक कार्य करते हैं, कभी कभार राजसी कार्य करते हैं, कभी कभार है ना तामसी कार्य करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो उसमें तत्व रज तम ये तीनों गुण आए, लेकिन उसमें जो डोमिनेंसी होनी है वो डिपेंड करता है हमारे गर्भ संस्कार के ऊपर, और हमारे हमारा जन्म होने के तत्पश्चात फिर हमारा जो एटमोस्फियर है, हमारे हमारा जो सराउंडिंग है वो कैसे रहता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 100% वातावरण के ऊपर प्रकृति डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मूल भी प्रकृति बनती है, तो उसमें भी गुणों और दोषों की कुछ कमी अधिकता रहती है, लेकिन एटमोस्फियर से है ना, जैसे कि इन बिटवीन ओम गर्भावस्था में जब वो व्यक्ति होता है तो उसकी माता क्या आचरण करती है और माता के आचरण का दबाव उस गर्भस्थ शिशु पर होता है, ओके, और उसके संस्कार भी उस शिशु पर पड़ते हैं। इसलिए तो हमारे संस्कृति में कितने संस्कार बताए हैं, आप में से कोई बताएगा वैदिक संस्कृति में कितने संस्कार आते हैं? उमाकांत जी, आज उमाकांत जी हाँ जुड़े हुए ना सर, उमाकांत हाँ हाँ सर, कितने संस्कार आते हैं? कौन से इसमें सर? मैंने वैदिक संस्कृति में महर्षि दयानंद 16 संस्कार आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, 16 संस्कार आते हैं। अभी इन्होंने उत्तर एक दे दिया, अभी इनको मैं वैसे दोबारा पूछूंगा तो ये उत्तर भी दे देंगे, लेकिन मैं दूसरों से उत्तर चाहता हूँ। अभी मुझे बताएंगे पहला संस्कार कौन सा है? भक्ति शर्मा, भक्ति शर्मा ये बताएंगे पहला संस्कार कौन सा है? सर नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। रेणुका मैडम आप बताएंगे पहला संस्कार कौन सा है? नहीं पता। जानवी सोनार मैडम आप जानते हैं? यस सर। सोनार मैडम हाँ, अभी दोनों ने भी अनम्यूट कर दिया है, तो चलो सोनार मैडम आप बताएंगे कि 16 संस्कारों में से पहला संस्कार कौन सा है? हाँ, खुशबू, खुशबू नाम से जुड़े हैं आप, आपका नाम क्या है? खुशबू गौतम। अच्छा, खुशबू ही है। चलो आप बताएंगे संस्कृति में पहला संस्कार कौन सा आता है? गर्भधान। हाँ,
ठीक है मैं सुन नहीं पाया, उसे ही गर्भ संस्कार बोलते हैं। वेरी गुड। अब दूसरा संस्कार बोलो खुशबू, आप अभी बोलेंगे दूसरा संस्कार कौन सा है? पुंसवन। वेरी गुड, पुंसवन है। तीसरा संस्कार कौन सा है? चलो आपने अभी उत्तर दे दिया तो अभी मैं दूसरों को पूछ लेता हूँ, है ना। उपाध्याय जी आप जानते हैं तीसरा संस्कार कौन सा होता है? तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। और चौथा संस्कार कौन सा होता है? उसे ही पूछ रहे हैं। हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ चौथा जात कर्म होता है। वेरी गुड, जात कर्म होता है। और फिर पांचवा कौन सा होता है? नामकरण। और नामकरण होता है। वेरी गुड। उसके बाद में निष्क्रमण। निष्क्रमण, वेरी गुड। छठवा संस्कार होता है निष्क्रमण। उसके बाद में अन्य प्राशन। अन्नप्राशन से पहले और एक संस्कार होता है। अन्नप्राशन से पहले एक संस्कार है, उसके बाद में अन्नप्राशन आता है, तो मुंडन संस्कार। ठीक है, एक मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद में फिर अन्नप्राशन होता है। तो अन्नप्राशन कौन सा आएगा? आठवा। सातवा आएगा कि आठवा आएगा? गर्भदान, जीवंतोन्नयन, जात कर्म, फिर जात कर्म के बाद में कौन सा बोला? नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर मुंडन, और फिर आठवां संस्कार होगा अन्नप्राशन। ठीक है, मुंडन से पहले अन्नप्राशन होना चाहिए सर। नहीं, अन्नप्राशन तो छठवें महीने में होता है ना। अन्नप्राशन छठवें महीने में होता है और मुंडन संस्कार शायद किसी किसी में पहले भी कराया जाता है। मुंडन संस्कार जो होता है वो क्या कहते हैं, आठ इयर्स में होता है। मराठी मध्ये आमच्या महाराष्ट्रामध्ये त्याला जावळे जावळे काढणं असं म्हणतात, म्हणजे ते केस कमी केले जातात। हा चौल बोलते हैं उसको, चौल संस्कार। हा हा, तो ये जब तक वो उसका क्या है मुंडन का, जब तक फॉन्टेनेल्स नहीं भरते, ये जो तालू होता है ना, जब तक वो ऐसा वो गड्ढा जो होता है वो पूरा भरता नहीं है, तब तक वो नहीं किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है चौथे पांचवें महीने में कुछ मुंडन कराते हैं, उसके बाद में फिर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद में भी मुंडन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अन्नप्राशन पहले करें, उसके बाद में मुंडन करें, क्योंकि उसका दिया हुआ है तीसरे वर्ष में, या मतलब दो वर्ष कंप्लीट होने के बाद में तीसरे वर्ष में करने के लिए लिखते हैं जो आचार्य हैं। चलेगा ना, लेकिन एक्चुअली ग्रंथोक्त तो वैसे ही होना चाहिए ग्रंथ के अनुसार, लेकिन लोग इतना डिले नहीं करते है ना। लोग तो पहले कर देते हैं, पहले करते और इसके पीछे और भी मान्यता है कि गर्भ के जो है बाल जो है वो नहीं रहना चाहिए, बाद में फिर से नए बाल आना चाहिए। तो अपनी अपनी मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं भी हो सकती हैं कहीं कहीं की। अब अलग अलग एरिया में, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में भी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और तीन रीजन होते हैं, है ना, मराठवाड़ा। तो इसमें और मराठवाड़ा में भी अलग अलग जिलों में अलग अलग एक अपनी परंपरा चलती है, तो उस परंपरा के अनुसार भी लोग आगे पीछे कर देते हैं संस्कारों को। तो कोई बात नहीं, आप डिले भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए अनुमति देता हूँ कि मुंडन आप एक साल तक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग्य होगा या नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो योग्य होगा। क्यों? तब तक उस बालक के जो फॉन्टेनेल्स होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेल्स और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स, जिसको हम बोलते हैं तालू, वो पूरा भर चुका होता है, और उसके बाद में बाल निकालना और फिर वो कोई रिस्की काम नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं मुंडन को। उसके बाद में मुंडन ले लो या फिर अन्नप्राशन, ये आठवां ले सकते हैं। उसके बाद में कौन सा संस्कार आएगा फिर नवा संस्कार? अभी दूसरे कोई बताएंगे, मैं पूछूंगा। चलो अभी अश्विनी शेरके मैडम बताएंगे,
अश्विनी, अब बताते वक्त आप अपना वीडियो शुरू करो, कैमरा शुरू कर दीजिए। अश्विनी मैडम, चलो वर्षा, वर्षा मैडम बोल देंगे, वर्षा सातपुते मैडम। खुशबू आप बताओ, चलो इनको किसी को पता नहीं है, आप ही बता दो। सोलह संस्कार, चलो नवा संस्कार बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। कर्णवेद। वेरी गुड, कर्णवेद संस्कार है। फिर दसवां संस्कार कौन सा है? उपनयनम। उपनयन संस्कार, वेरी गुड, उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार का एक परेही शब्द है, पता है आपको? उपनयन का परेही शब्द क्या है? उपनयन का परेही शब्द है यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है? क्या एक वर्ड और होता है सर? व्रतबंध भी है। एक कर्मकांड भाष्कर आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने जो एक किताब लिखी है उसमें ये, और एक परे नाम जो अभी उपाध्याय जी बता रहे हैं वो भी नाम उसमें आता है। जो पवित्र उपनयन व्रतबंध है, व्रतबंध नाम से जाना जाता है, तीनों नाम से ये संस्कार जाना जाता है। उसके बाद में फिर बारहवा संस्कार कौन सा आएगा बोलो? खुशबू आप बोलो या फिर रेणुका जी आप बोलो। विद्यारंभ। विद्यारंभ ये आयु के कौन से साल में चालू होना चाहिए? आयु के कौन से साल में चालू होना चाहिए विद्यारंभ? आइडियली एक्चुअली आयु के पांचवे साल में शुरू होना चाहिए। जैसे पहले मैं भी स्कूल गया तो पहले मैं नर्सरी गया, उसके बाद में डायरेक्ट मैं पहली कक्षा में चला गया, ठीक है? तो अभी क्या होता है मालूम है क्या? तीसरे साल में ही नर्सरी और चौथे में फिर केजी वन, पांचवे में केजी टू और फिर पहली कक्षा जो है वो आयु के छठवे साल में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अभी चल रहा है, हम सभी लोग उसमें पीछे जा रहे हैं लेकिन गलत है। एक्चुअल में पांचवे साल में विद्यारंभ होना चाहिए। नर्सरी यानी त्याला मराठी मध्ये बालवाड़ी म्हणत होते, है ना? सबसे पहले बालवाड़ी में बच्चे जाते थे, उसके बाद में फिर वहां से फिर पहली कक्षा में चले जाते थे। और पहली कक्षा में जब जाते थे तो उनकी आयु अगर छह साल की नहीं है तो उनको लेते नहीं थे, है ना? उनकी अगर आयु कम हो रही है तो फिर पहली कक्षा में उनका एडमिशन नहीं होता। तो विद्यारंभ का एक्चुअल एज जो है वो पांच साल का है, तो पांचवे साल विद्यारंभ होगा। फिर आगे बोलिए कौन सा संस्कार है? आपका आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शब्द को। चलो रेणुका जी आप ही बताएंगे। ईशांत बोल रहे हो? हाँ केशांत। केशांत ये कोई संस्कार नहीं होता। विद्यारंभ पूरा होने के बाद में वहां पर कौन सा संस्कार होता है? विद्या पूरी होने के बाद में ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। ये जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, हाँ, जो वैदिक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, शांत उसी में आता है और समावर्तन होता है। ये सब जब जैसे पांच साल के बाद में छठे वर्ष में आयु अलग अलग थी और यज्ञोपवीत के बाद में ही वेद पढ़ने का अधिकारी होता था व्यक्ति जो है, और वेद पढ़ने के लिए उसे गुरु के पास जाना पड़ता था। अब गुरु के पास वेद पढ़ने के बाद में समावर्तन माने वापस लौट के आना है उसको,
वापस लौट के आने के बाद में फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जब उसका तब विवाह संस्कार उसके बाद होता था। तो मैडम ने जो बताया कि शांत उसमें एक आता है इस तरह से, ये जो है हमारे समाज में अब जो है थोड़ा ज्यादा समय में शादी होने लगी, नहीं तो पहले उपनयन संस्कार होता था तब उसके बाद में ही वो व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी होता था। गुरु के पास जाता था, गुरु के पास से वेद पढ़ करके वही वेदारंभ है। फिर जब लौट के आता था उसे समावर्तन कहा जाता था। ये संस्कारों में दिए हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आयु के पांचवे साल में वेदारंभ संस्कार, यानी जैसे अभी उपाध्याय जी ने बोला कि उपनयन होने के बाद में फिर वो यज्ञोपवीत होने के बाद में फिर वो वेद पढ़ने का जैसे उसको परमिशन मिलती थी, तो वो वेदारंभ संस्कार पांचवे साल में, ठीक है। और उसे वेदारंभ भी कहते हैं, उसे विद्यारंभ भी कहते हैं, ठीक है, उसे ज्ञानारंभ भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो अलग अलग नाम से उसको करा जाता है। फिर वो 5 साल से लेकर 25 साल तक अपने गुरु के, और जब एट द एज ऑफ 25 साल, यानी वैसे वो अपने गुरु के पास 20 साल, लेकिन आयु के 25 साल में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु और शिष्य एक समान लेवल पर बैठा करते थे, ठीक है। ये जो समावर्तन संस्कार होता था तो गुरु और शिष्य एक ही लेवल पर बैठते थे। उससे पहले क्या होता था, गुरु ऊपर बैठता था और शिष्य नीचे बैठता था, ठीक है। लेकिन वे पढ़ते 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 है ना, शिष्य जो है वो ऊपर उठ चुका था, है ना, ऊपर आ गया, तो फिर गुरु और शिष्य दोनों का एक लेवल हो गया, तो फिर उस समय फिर समावर्तन संस्कार आयु के 25 से पहले वो होता था। फिर वो जो व्यक्ति है वो गुरुकुल से घर आता था आयु के 25 में, और आते ही उसका विवाह संस्कार होता था आयु के 25 में। इसलिए आयुर्वेद में बोला है पंचविंशति कुमार षोडश नारि, यानी आइडियल एज जो है शादी का पुरुष का है 25, मिनिमम एज बोला है, कम से कम 25 साल का पुरुष होना चाहिए और मिनिमम कम से कम 16 साल की जैसे स्त्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी 25 साल का पुरुष और फिर 18 साल या 20 साल की महिला, उसका भी विवाह हो सकता है, लेकिन 16 के पहले विवाह नहीं। वैदिक संस्कृति में 16 के पहले विवाह अमान्य किया गया है, ठीक है। जैसे कि अभी तो ऐसे बोलते हैं कि बालिग और नाबालिग, ये 18 साल पूरा होने के बाद में बालिग, 18 साल से पहले नाबालिग, ये तो अभी की परिभाषा है। लेकिन वैदिक परिभाषा पूर्व में क्या थी कि जो स्त्री है वो बालिग कब होती थी, 16वें साल होती थी, और वो क्यों होती थी उसका भी कारण है, क्योंकि उसमें रजोदर्शन यानी मेंसेस का आना जो है वो आयु के 15वें या 16वें साल होता था, और इसलिए वो एज फिर वैदिक काल में वेदों ने वो डिसाइड किया है, स्पेशली आयुर्वेद ने डिसाइड किया है कि शादी की जो एज है स्त्री में वो कम से कम 16 होनी चाहिए, 16 से पहले शादी नहीं कर सकते, ठीक है, गृहस्थी नहीं बसा सकते, तो 16 के बाद में फिर गृहस्थी स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए 25, क्योंकि हमारी जो संस्कृति पूर्व संस्कृति रही वो पुरुष प्रधान रही, और पुरुष जो है वो कंपल्सरी गुरुकुल जाया करते थे ना, कंपल्सरी हर एक को जाना ही पड़ता था, कंपल्सरी जाया करते थे, और फिर वहां पर समावर्तन संस्कार होने के बाद में ही वापस आना, और उसके बाद में फिर विवाह संस्कार, ठीक है, आयु के 25वें साल विवाह संस्कार, और उसके बाद में फिर विवाह के बाद में बोलो कौन सा संस्कार आता है, खुशबू मैडम अभी आप ही बोलो। विवाह के बाद में
इसका मुझे क्लियर तो नहीं पता है, शायद तो अग्नि करके है। आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उपाध्याय जी बताएंगे। सर विवाह के बाद में जो संस्कार होता है, फिर उसके बाद कोई संस्कार है ही नहीं, उसका नाम ही है अंतिम संस्कार। नहीं ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा चूक गए यहाँ पर। विवाह के बाद में जब गृहस्थी पूरी हो जाती है तो 16 संस्कार फिर काउंट ही नहीं होंगे। तो विवाह के बाद में, जैसे विवाह संस्कार के बाद में गृहस्थी पूरी होती थी आयु के 50 में, तो आयु के 50 में फिर वानप्रस्थ संस्कार यानी गृहस्थी को छोड़ के वन में जाना, या फिर वहीं पर वन जैसा वातावरण तैयार करके भोजन भी, जैसे वन भोजन ही लेना, पकाया हुआ भोजन न लेना, तो पहले ऐसे होता था। गृहस्थी छोड़ने के बाद में फिर वानप्रस्थ संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार के बाद में फिर संन्यास संस्कार, ये 15वां संस्कार है संन्यास संस्कार। और संन्यास दीक्षा लेने के, वो आयु के 75 में संन्यास दीक्षा लिया करते थे पहले, और फिर आयु के 75 से लेकर मान लो आयु के 100 साल तक वो संन्यास आश्रम चलता था। हरेक को वो अधिकार था कि आप सन्यासी बन सकते, गृहस्थ भी वानप्रस्थ बनता था और एक वानप्रस्थ ही सन्यासी बनता था। और सन्यास पूरा होने के बाद में मान लो वो आयु के 100 साल में पूरा हो जाएगा, तो फिर मान लो उसमें जीने की अगर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर वो प्राण छोड़ देगा। उसके बाद में फिर अंत्येष्टि संस्कार कराया जाएगा। अभी आपने देखा लता मंगेशकर जी का लायु अंत्येष्टि संस्कार आपने देखा, कितना मस्त एकदम बहुत अच्छा संस्कार वहां पर हुआ। कहां पर हुआ? वो बॉम्बे में हुआ और शिवाजी पार्क पर हुआ है ना, शिवाजी पार्क में हुआ। तो वहां पर आपने देखा कितना, कितने सारे ब्राह्मण वहां पर आए थे, उन्होंने कितने सारे वेद के मंत्र वहां पर पढ़े, और फिर चिता जो है उसमें अभी तो अलव नहीं है, लेकिन जो चिता रचाई जाती है उसमें चंदन की लकड़ी होनी चाहिए, तो कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए है ना, थोड़ा टुकड़ा तो होना चाहिए, अभी तो नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा टुकड़ा होना चाहिए चंदन का उसमें, और अलग अलग औषधियों के भी उसमें लकड़ियां होनी चाहिए, ऐसे पूर्व काल में वो संस्कार होता था। फिर हमारा जितना वजन है उस वजन के बराबर उसमें घी की आहुति देना, जैसे कि 60 किलो वजन है तो 60 किलो घी की आहुति चिता में देना, ये पहले अंत्येष्टि संस्कार में बोला है। अभी इतना कोई देगा नहीं, लेकिन कम से कम 5 किलो का डिब्बा लाके, घी का डिब्बा लाके आपने अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए। लेकिन बहुत बुरे हाल है हमारे और हमारे समाज के, जब कोई मरता है वो लखपति रहता है, करोड़पति रहता है, और उसके रिलेटिव्स उसे किसके माध्यम से जलाते हैं है ना, अग्नि प्रज्वलित किससे करते हैं, ट्रैक्टर में जो जला हुआ ऑयल है उस ऑयल को उस चिता पर छिड़काया जाता है, और उस ऑयल से फिर अग्नि को प्रज्वलित करके है ना मुखाग्नि की जाती है। बहुत गलत बात है, कोई कोई डीजल लेकर आता है, कोई कोई घासलेट लेकर आता है, कोई पेट्रोल लेके आता है और उस चिता पर छिड़कता है, वो उस चिता का अपमान समझा जाता है। लेकिन अभी लोग सम्मान को ही अपमान समझने लगे हैं, ये भी बहुत ही विपरीत और विचित्र मानसिकता हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो आप ये ध्यान में रखें, जब भी हमारे कभी करीबी रिश्तेदार की मौत होगी या फिर हमारे किसी रिलेटिव की मौत होगी, हमारे किसी अपने की मौत होगी, तो आपने कम से कम उस व्यक्ति के चिता के ऊपर 5 किलो गाय का घी, वो भैंस का घी नहीं भूल रहा हूं, भैंस का घी नहीं भूल रहा, गाय का घी कम से कम 5 किलो, अगर आपकी ताकत है तो आप 15 किलो भी डाल सकते हैं, पूरे वातावरण की और पूरे ब्रह्मांड की उससे शुद्धि होती है अंत्येष्टि संस्कार करने से। आज तो हम देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार होता है तो पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण होता है, और कभी कभी गरीबी इतनी हमारे भारत में इतनी ज्यादा है कि उस चिता को जलाने के लिए टायर है ना, जो टायर खराब हो जाता है तो उस टायर को चिता पर डालते हैं, उससे भी प्रज्वलित करते हैं उस अग्नि को, और उस चिता को जलाने के लिए टायर की भी मदद लेते हैं। ऐसे खराब खराब चीजें
होती है। अंत्येष्टि ये एक संस्कार है, ऐसे नहीं कि अंत्येष्टि हम इसलिए करते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर की बदबू आती है या उस व्यक्ति के शरीर को हमें पूरा नष्ट करना होता है, इसलिए नहीं कराई जाती अंत्येष्टि। अंत्येष्टि इसलिए कराई जाती है क्योंकि 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है, और वो अंत्येष्टि संस्कार जब पूरा होगा तभी उस व्यक्ति के 16 संस्कार पूरे होते हैं। अभी आज के लोगों को पूछो आप तो कितने संस्कार है, है ना। अभी जैसे यहाँ पर उमा गांधी ने बता दिया कि 16 संस्कार है, बहुत अच्छा लगा। फिर आपके माध्यम से मैंने एक एक संस्कार के नाम सुने तो मुझे एक पत्र हो रहा है कि मैं आपका शिक्षक हूँ, है ना। कम से कम मुझे किसी से तो सुनने को मिला कि ये संस्कार होते हैं। नहीं तो बाकी मैं जब समाज में बाहर वर्ग लेता हूँ, है ना, कभी वैदिक वर्ग लेता हूँ तो उसमें मैं पूछता हूँ कि माता जी बहन जी आप बताओ कितने संस्कार है। बोलते हमें क्या पता कितने संस्कार है, है ना। वैदिक संस्कृति को निर्वाहित करने वाले लोग, है ना, संस्कारों को ही नहीं जानते हैं। नंबर सो आप संस्कार नहीं जानते, कौन कौन से संस्कार ये नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो उसका निर्वाहन नहीं करते हैं। ठीक है, जो जानते हैं गर्भ संस्कार, लेकिन वो गर्भ संस्कार कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो करते ही नहीं है। बस थियोरेटिकली उनको पता रहता है कि इतने संस्कार है, प्रैक्टिकली एक भी संस्कार नहीं करेंगे। ये भी बात बहुत गलत बात है। ठीक है, चलो अभी ये टॉपिक तो नहीं था, लेकिन अनायास नहीं एक सकारण यहाँ पर कुछ तो भी एक आया और उससे हम भी आगे बढ़े। ठीक है, अभी आप सभी लोग जितने भी आज जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आप सभी लोग पहले से लेकर 16वें संस्कार तक लिखोगे, और आपको अगर इसका किताब पढ़ना है तो स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक रहे उन्होंने 16 संस्कार के ऊपर बहुत बढ़िया किताब लिखी है। अगर आप और दूसरे राइटर की किताब यानी पढ़ना चाहते हैं तो एक कर्म कांड भाष्कर, मैं राइटर नहीं बोलूंगा, उनको गुरुजी बोलूंगा और उनको संत बोलूंगा, और उनका नाम है आचार्य श्रीराम शर्मा, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है हरिद्वार में 200 एकड़ में उन्होंने ये वो पूरा एरिया वहां पर बनाया है। आप जाएंगे तो अलग अलग संस्कारों की आपको दीक्षा शिक्षा वहां पर दी जाती है, और फिर आप लोगों को वो संस्कार आपके गरीबी लोगों को या समाज में वो संस्कार आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं मेरे प्रैक्टिस में गर्भ संस्कार भी करता हूँ। अगर मेरे पास कोई गर्भवती महिला आती है तो उसे मैं गर्भ संस्कार की शिक्षा देता हूँ कि कैसे करना है गर्भ संस्कार, कैसे करना है संगीत संस्कार, गर्भवती माता ने क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा बड़ा काम है। और इसके ऊपर मैंने कोर्स भी तैयार किया हुआ है, डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार, ये 30 दिन का कोर्स है। आप में से अगर कोई इसे करना चाहता है तो डिटेल्स में 16 संस्कारों के ऊपर मैं 30 लेक्चर लेता हूँ, 30 घंटे में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तब जाके वो 16 संस्कारों की पूरी जानकारी हमें होती है, विशेषकर गर्भ संस्कार की। ठीक है, तो मैं गर्भ संस्कार भी कराता हूँ, उसके बाद में मैं जन्म के पश्चात जो पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, और श्रृंखला में उसे चौथे नंबर पर लिया जाता है जात कर्म संस्कार। मैं हॉस्पिटल में जाके मैं जात कर्म संस्कार भी करता हूँ क्योंकि मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, और वाग्भट संहिता में वाग्भट आचार्य एक आयुर्वेदाचार्य को संस्कार करने का अधिकार प्रदान करते हैं। उसमें एक सूत्र आता है, मैं बोल देता हूँ आपको, जात कर्म के लिए एक सूत्र आता है। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात उसको मधु और सुवर्ण मतलब चाटन चढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ वाग्भटाचार्य ने एक मंत्र बोलने के लिए बोला है, अंगत अंगत समवासी हृदया भी जाय से आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदाम शतम। जन्म लेते ही हम उस बालक को बधाई देते हैं कि ये बालक तेरी आयु 100 साल की है और तू 100 साल का जीवन निर्वाहित कर, जीवेद शरद शतम, तू 100 साल जी। और 100 साल क्यों जीना है, क्योंकि हमें
ये जो 16 संस्कारों की जो श्रृंखला है उसे उसके उसके प्रति हमें अनुयायी बनना है। अगर 50वें साल में मर जाएंगे तो ना तो वानप्रस्थ संस्कार होगा ना तो संन्यास संस्कार होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा। जैसे अभी उपाध्याय जी ने बोला कि विवाह के बाद में डायरेक्ट अंत्येष्टि, वो उपाध्याय जी आप सही बोल रहे हैं क्योंकि अभी इन दिनों में विवाह के बाद में डायरेक्ट उस व्यक्ति को फूंका जाता है, ना तो उसका वानप्रस्थ होता है ना तो उसका संन्यास संस्कार होता है। अभी तो वर्तमान में समाज में हम ना तो किसी का वानप्रस्थ देख रहे हैं ना तो हम किसी का संन्यास देख रहे हैं, इसीलिए उस वानप्रस्थ को और संन्यास को काट के डायरेक्ट विवाह के बाद में डायरेक्ट अंत्येष्टि ही उसमें किसी किसी ने शायद जोड़ दिया होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अंत्येष्टि को जोड़ देते हैं तो 14 ही संस्कार होते, 16 संस्कार नहीं होते। तो 16 संस्कार नहीं होंगे जब आप उसमें वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार जोड़ दोगे तभी वो 16 संस्कार हो जाते हैं। हाँ बोलिए। वानप्रस्थ जो है और ये आश्रम व्यवस्था में जो है पढ़ा गया है सर, हमने तो यही पढ़ा था, और जो काउंटिंग है उसके अनुसार जैसे कोई विद्वान अगर मतांतर है कहीं पर तो वो देखना पड़ेगा, आप ज्यादा जानते हैं इसके तो मैं उसके नहीं करूँगा कर सकता, क्योंकि जो कहीं ना कहीं से रेफरेंस होता है इस पर ये नहीं। जैसे वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ जैसे क्या कहते हैं, जब गुरु के यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं तो अध्ययन के लिए 25 साल किया गया है, उसके बाद वहां से लौट करके आते हैं तो फिर वो हुआ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया। गृहस्थ आश्रम पूर्ण होने के बाद में व्यक्ति जाता है वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ जाने के बाद में फिर वहां पर वो सन्यास दीक्षा लेकर के सन्यासी बनता है, इस तरह से भी बोलते हैं। तो ये आश्रम व्यवस्था है, संस्कार जो हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों की बात है, तो इसमें विद्वानों ने अलग अलग लिखा होगा तो उसके बारे में मतांतर को तो ज्यादा मतलब यहाँ पर नहीं हम लोग जान सकते। आप जो बता रहे हैं बहुत सारी जगहों पर मैंने आयुर्वेदाचार्यों को ये देखा हुआ है जो आप बता रहे हैं कि ये किया जाता है। आयुर्वेद तो वेद की ही शाखा है तो उसमें सब बता, मैंने बोर्ड पढ़े हैं यहाँ पर पुणे में भी आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये संस्कार होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो बोला जैसे विवाह संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, वैसे ही वानप्रस्थ जो है वो उसके पूर्व एक संस्कार होता है, लेकिन उस जैसे अभी विवाह संस्कार और गृहस्थ आश्रम अलग अलग नाम से बोला है, लेकिन वानप्रस्थ दीक्षा लेने से पहले जो संस्कार कराया जाता है उस संस्कार उस दीक्षा को वानप्रस्थ ही बोला है, तो यहाँ पर वो सेम नाम आने से थोड़ी सी भ्रांति पैदा हो सकती है, वो जैसे संन्यास में भी होती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम और विवाह संस्कार ये जैसे अलग अलग रखा है, विवाह संस्कार के पश्चात फिर उसका गृहस्थी चालू हो जाती है ना, गृहस्थी शुरू हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठीक समझाया गया है। बाकी जो दो संस्कार है वो दो आश्रम भी आ जाते हैं, चतुर आश्रम जीवन पद्धति जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, तत्पश्चात फिर गृहस्थ आश्रम, तत्पश्चात फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम है संन्यास आश्रम, ये चतुर आश्रम भी है और ये संस्कारों में भी ऐसे आता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो आयुर्वेद में भी आप पढ़ सकते हैं चरक संहिता में, और आप पढ़ सकते हैं स्वामी दयानंद को, और आप पढ़ सकते हैं आचार्य श्री राम शर्मा को, शायद आपने ये तीनों भी नाम कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। ओके, तो आप वहां से पढ़ के
ये सुने नहीं है सर, ये तो बहुत ही जगत प्रसिद्ध नाम है, जगत प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल के जो बच्चे आपका आपके बारे में और उमाकांत जी भी, उनको भी अच्छा ज्ञान मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले पहले कम्युनिकेशन में मैं पहचान लेता कि व्यक्ति कितना भरा हुआ है अंदर से या खाली है। लेकिन जो अभी नए नई जनरेशन आ रही है, उनको तो शायद उन्होंने सुना होगा या नहीं सुना होगा उनके प्रति, है ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। लोग जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो आज हमने तामसिक प्रकृति के लक्षण देखे, और उसके बाद में हमने 16 संस्कार और फिर चतुर आश्रम इन्हें जाना, और आशा है कि आप सभी लोग इसे याद रखेंगे और इसका प्रचार प्रसार करने में अपने को जैसे कि धन्य समझेंगे कि चलो मेरे पास ऐसा ज्ञान आया है तो मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूं। अगर आप गर्भ संस्कार करना चाहते हैं, इसके प्रति एक समाहत होना चाहते हैं कि सर मैं भी गर्भ संस्कार करना चाहता हूं लोगों के ऊपर यानी महिलाओं के ऊपर, या फिर मैं जात कर्म संस्कार करना चाहता हूँ, नामकरण भी मैं करके देता हूँ, ठीक है, नामकरण संस्कार भी, उसमें फिर यज्ञ कराना, उसके बाद में फिर उस बच्चे का नाम लेना, और फिर यज्ञ में अलग अलग आहुतियां प्रदान करना, फिर अन्नप्राशन भी मैं कराता हूँ, एक 3-4 संस्कार मैं कराता हूँ। जैसे मैं जाति को नहीं मानता हूँ, ठीक है, एक्चुअल में हमारी एक ही जाति है मनुष्य, लेकिन फिर भी जैसे मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन आयुर्वेदाचार्य होने के कारण मैं इस संस्कार का अधिकारी हूँ, वैसे आप भी इस संस्कार के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उसकी आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। मैं दीक्षा देने का तो अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शिक्षा आपको दे सकता हूँ, ठीक है। दीक्षा कौन दे सकता है? जो समर्थ गुरु है, जो सिद्ध गुरु है, वो दीक्षा देने का काम करता है, और एक जो शिक्षक है वो शिक्षा देने का काम करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम अभी रुकेंगे और मिलेंगे फिर अगले सप्ताह में बुधवार को।